नए कृषि कानून के खिलाफ प्रदर्शन में बैठे अन्नदाताओं को आज 1.5 महीने हो गए हैं। कल सरकार के साथ अन्नदाताओं की नौवें दौर की बातचीत हुई, लेकिन ये बेनतीजा निकली। अब 15 फरवरी को सरकार और अन्नदाता के बीच 10वें दौर की बातचीत होनी है, लेकिन हर बार हल निकलने के बजाय तारीख मिलने पर अन्नदाताओं का गुस्सा अब बढ़ता जा रहा है। ऐसे में अन्नदाता की आगे की क्या तैयारी है, देखिए इस रिपोर्ट में। अन्नदाता 45 दिनों से अपनी मांग पर अड़े हैं, लेकिन सरकार भी अपने रुख पर कायम हो गई है। नए कृषि कानून को सरकार वापस नहीं लेगी। अब तक अन्नदाता और सरकार के बीच 9 दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन वो सभी बातचीत बेनतीजा निकली। 15 जनवरी को अब एक बार फिर 10वें दौर की बातचीत होनी है, लेकिन बार बार मिल रही तारीखों पर अन्नदाताओं का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। वो अपनी मांग पर अब भी कायम है, और इसी के मद्देनजर देश खाप के चौधरी सुरेंद्र सिंह ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार उनकी मांगे नहीं मानेंगी तो वो गणतंत्र दिवस के दिन दिल्ली में 1,00,000 ट्रैक्टरों को लेकर दाखिल होंगे और परेड करेंगे। आपको बता दें कि इससे पहले 7 जनवरी को अन्नदाताओं ने ट्रैक्टर रैली निकाली थी, जिसे उन्होंने 26 जनवरी को निकलने वाली मार्च का पूर्वाभ्यास बताया था। वहीं खाप के सदस्यों ने यह भी चेतावनी दी कि सरकार और प्रशासनिक अधिकारी इस आंदोलन को हल्के में ना ले। अन्नदाताओं को पता चल चुका है कि दिल्ली की कमजोरी पेरिफेरल वे है। अब अन्नदाता इसी को घेरेगा तब सरकार पर दबाव बनेगा। अन्नदाताओं ने कहा कि जब तक तीनों कानून वापस नहीं होते, अन्नदाता के घर वापसी नहीं होगी। और इसी पर कृषि मंत्री ने जवाब देते हुए साफ कह दिया कि कानून तो वापस नहीं होगा, कोई और विकल्प हो तो दीजिए। ऐसे में आने वाले समय में अन्नदाता अब दिल्ली के पेरिफेरल वे को घेरने की योजना बना ही चुका है। इन सब से अब सरकार पर कितना असर पड़ता है, ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। डीबी लाइव की रिपोर्ट।